उसके मिसलेनियस में टाइम लगेगा बस। बस मिसलेनियस 10 मिनट का, आधा घंटा का, 20 क्वेश्चन है, आधे घंटे का बता दो। चलो देखो यहां पे 4.6 आपको करने का एक्सरसाइज, ठीक है। 4.6 का मैं 3x3 का करवा दे रहा हूं, ठीक है। पहला तो आपको इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी निकालनी है। तो ये जो आपको मैंने बता दिया कि एक डिटरमिनेंट अगर a इक्वल टू 0 है और एक होता डिटरमिनेंट ऑफ डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये है तो हमारा होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर इसका सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था ax इक्वल टू b है हमारा, x इक्वल टू क्या होता है हमारे पास a इनवर्स b, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन और आप लिख लेना कि अगर एट ज्वाइंट ऑफ a इनटू में b इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास एट ज्वाइंट ऑफ a इनटू में b डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अगर हमारी वैल्यू एट ज्वाइंट ऑफ a इनटू b इक्वल टू 0 है तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, ये मस्ट है बेटा। लेकिन अगर यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारा कंसिस्टेंट भी हो सकता है, आइदर कंसिस्टेंट आइदर इनकंसिस्टेंट। यहां पे लिख लेना आइदर वर्ड, आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहां पे जो डिसीजन लेंगे हम वो डिसीजन लेंगे बेटा यहां से डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हुआ तो वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, अगर हमारा 0 नहीं हुआ तब हमारा क्या होगा कंसिस्टेंट। इतनी बात क्लियर हुई। यानी यहां से दो कंडीशन अलाउ करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू 0 है तो वो 100% इनकंसिस्टेंट है, लेकिन अगर यहां पे आएंगे तो डज नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि यहां पे डिटरमिनेंट भी आ हुआ है आपका, अगर यहां पे डिटरमिनेंट 0 हुआ तो हमारा वो कंसिस्टेंट नहीं होके इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कोई सलूशन नहीं है, अगर है तो हमारा क्या होगा सलूशन होगा। लिख लो इस चीज को, हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं 3 ऑर्डर 3 का। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेता हूं बेटा। कितना 2x प्लस वाई प्लस में जेड इज इक्वल टू 1, दूसरा है हमारे पास एक्स माइनस टू वाई माइनस में जेड, एक्स माइनस में टू वाई माइनस में जेड इक्वल टू 3/2, एक्स माइनस में टू वाई माइनस में जेड इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इक्वल टू 9, 3y माइनस में 5z इज इक्वल टू 9। पहले तो हम मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या होती है आपकी, ए इज इक्वल टू हो जाएगी 2 1 1 2 1 1 और दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी 1 -2 -1 1 -2 और -1, तीसरी मैट्रिक्स होगी 0 3 and -5, और हमारा जो बी होगा वो कॉलम मैट्रिक्स होता है आपका 1 3/2 और 9, और हमारा जो सी में एक्स मैट्रिक्स है बेटा वो भी हमारा कॉलम होता है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, देन आप सॉल्व करोगे इसको, तो बस वही फंडा हम लोग करेंगे जो भी हमें जानने हैं। तो अब पहले तो मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। देखना एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो रो ले चलेंगे और कॉलम में लिखना है, कहां लिखना है कॉलम में। तो देखो अगर फर्स्ट का आप वो फैक्टर निकालोगे फर्स्ट का तो ये जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में सॉरी प्लस में 10
और प्लस में 313, तो ये 11 है यानी प्लस होगा, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 30। माइनस निकाल के फिर आप क्या कर सकते हो, माइनस वन की पावर टू फिर मल्टीप्लाई करते हो, वही चीज डायरेक्ट लिख दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड पे आओगे बेटा कितना हो जाएगा, ये जाएगा आपका, ये जाएगा, तो माइनस फाइव और जीरो, तो माइनस फाइव हो गया, तो माइनस फाइव आपका माइनर आया, लेकिन ये वन टू है, क्या है, ऑड है, इसलिए क्या हो जाएगा प्लस फाइव। निकल हुआ, तो मैं यहां पे देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि हमें कहां पे आना है, रो में लिखना है, यहां पे सॉरी कॉलम में लिखना है। तीसरा निकालोगे तो कितना मिलेगा, ये कॉलम जाएगा, ये रो जाएगा, ये थ्री और ये जीरो, तो वो है हमारा पास बेटा 1 3, तो यानी आपका और इवन है, तो इवन है तो कितना आएगा हमारा 3, थोड़ा ऑड लगेगा लेकिन सीख जाओगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अगला सेकंड वाला, ये आपका ये रो खत्म होगा, ये कॉलम खत्म होगा, तो आपका बचेगा माइनस फाइव और माइनस थ्री, माइनस एट, ये 2 1 है, नेगेटिव है, यानी ऑड है, तो ये देखो ये गया आपका, ये और ये माइनस फाइव और माइनस थ्री माइनस एट, यानी ये प्लस एट हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे पे जाएंगे बेटा तो ये जाएगा आपका, ये खत्म होगा, यानी ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो माइनस टेन और प्लस में जीरो, तो आपको देखोगे को ये हमारा ये वाला एलिमेंट 2 2 है, इवन है, यानी हमारा माइनस टेन, कोई दिक्कत, माइनस इवन है ना बेटा, ये 2 2 है ना, तो माइनस वन की पावर 4 इनटू में ये रो सॉरी ये कॉलम ये रो, ये माइनस टेन और माइनस जीरो, तो ये माइनस टेन हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये माइनस टेन ही होगा, निकले रो, हाँ, तो ये चीज आप याद रखना, ये माइनस टेन ही होगा यहाँ पे। दूसरा देखो, ये आप आपका ऑड है, यानी एक ऑलरेडी माइनस रहेगा ही रहेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये रो सॉरी ये कॉलम ये रो, तो 2 3 6 माइनस जीरो, तो 6 माइनस जीरो करोगे तो आपको मिलेगा माइनस में 6, ये मैंने माइनस 6 लिख दिया, कोई दिक्कत। अगला देखो, तीसरे पे आओगे बेटा इस पे, तो ये 3 1 है, यानी माइनस वन की पावर 4 इंटू माइनस वन की पावर 4 इंटू में, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोफैक्टर, माइनस वन की पावर 4 इंटू में, ये रो ये कॉलम ये रो गया और ये कॉलम, तो माइनस वन और प्लस में 2, तो 1 माइनस वन और प्लस में 2, 1 प्लस में 2 इक्वल टू कितना आएगा, ये पॉजिटिव यानी 1, यानी यहाँ पे आएगा हमारा 1। दूसरा देखो, ये जाएगा तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, ये रो ये कॉलम, तो 2 माइनस में 2 और माइनस में 1 और यहाँ पे माइनस 1 की पावर 5, तो ये माइनस 3 यानी प्लस में 3, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 3। लास्ट वाला देखो बेटा, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम जाएगा, तो माइनस में 4 और माइनस में 1 और ये माइनस 1 की पावर 6 माइनस में 5, यानी ये आ गया हमारा माइनस में, ठीक है। अब तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आपको एग्जाम में करके दिखाना है, ऐसा नहीं छोड़ देना डायरेक्ट, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा, डन। तो यहां पे मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए, अब इनवर्स निकाल लेते हैं, इनवर्स क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटरमिनेंट ऑफ ए, कोई दिक्कत, बोलो नहीं ना, चल भाई इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, इसमें एक जीरो है, इसी को सॉल्व करते हैं कॉलम को, तो ये कॉलम को कॉलम को सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट कितना होगा, देखो ये रो ये कॉलम यानी प्लस माइनस प्लस होगा, तो ये रो ये कॉलम करोगे तो आपका आएगा 2 इनटू में प्लस में 10 और माइनस प्लस में 4 और माइनस में 1, ये रो जाएगा ये कॉलम माइनस में 5 और माइनस में 3, इसको सॉल्व करो कितना आएगा 28 और प्लस में 8 यानी कितना आएगा 32, वही तो आएगा, देख लो 36 आएगा, ठीक है, देख लेना, फिर से कर दे रहा हूँ, ये रो ये कॉलम गया तो ये माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, ये माइनस 4 यानी प्लस 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, ये जाएगा दिस और ये जाएगा दिस, ये और ये माइनस 5 और माइनस 3 माइनस 8 और ये आपका पता है प्लस होता है, ये माइनस हो गया यानी प्लस 36, यानी आ गया हमारे पास कितना बेटा 1 अपॉन में 36, ये 13 8 1
ये 5, ये माइनस 10, 3, ये 3 माइनस 6 और माइनस में 5, ठीक है। ये A इनवर्स निकल गया। अब आपको पता है x इज इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास A इनवर्स B होता है, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं, 1 अपान में 36, ये कितना हो गया हमारे पास 13, 8, 1, 5 माइनस में 10, 3, 3 माइनस में 6 और माइनस में 5, और x b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, 3 by 2 and 9। और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो कितना आएगा 1 by 36, बाहर मैंने लिख दिया बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो ये हो जाएगा 13, यहाँ पे मैं लिख लाऊं 13 प्लस 8 into 3 by 2 यानी 12 और प्लस में 9, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 25, 13 प्लस 12 कितना हो गया 25 और 9 कितना हो गया हमारे पास 34, ये गलती तो नहीं हुई है, 13 प्लस में दे इक्वल टू 6, ठीक है। आगे देखो सेकंड वाला करेंगे कितना आएगा हमारे पास 5 और माइनस में 15, ठीक है, और कितना आ गया हमारे पास प्लस में 27 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास बेटा ये 17, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत, आगे देखो आगे देखते हैं कितना है आपके पास, ये थर्ड ये कितना आएगा हमारे पास 3 और माइनस में कितना आएगा 9, माइनस में 9 प्लस में नहीं बेटा क्योंकि ये है ना ये 3 by 2 पॉजिटिव है ना, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस में 9 है और ये 9 = 55 कितना आ गया हमारे पास ये 51। ये कहीं गलत किया हुआ है क्या, इसके मल्टीपल आना चाहिए 36 का, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना आ गया लिख लेते पहले, ये 34, ये 17, ये माइनस में 51, यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं हुई है, ये देखो 2 1 1 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 और आपका 0 3 माइनस में 5 सही है। तो आप अगर इसको जाओगे तो ये जाएगा प्लस में 10 और माइनस वन, यहाँ पे माइनस में 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 26 और ये कितना होगा बेटा 34, ठीक है। तो ये हमारा 34 होगा, ये 34 होगा, अब आ जाएगा आपका इसको सॉल्व करोगे अब डिवाइड करोगे तो ये 1, ये 1 by 2 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में 3 by 2, यानी अब हमारी जो वैल्यू आ गई बेटा x y z, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 by 2 और z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस में 3 by 2, क्लियर। इसको सब में डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये 2, इसको 17 से कटेगा आपका माइनस में 3 by 2, ठीक है, डन। मिला लो 4.6, सही है, हो गया। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया। अब एक बात और याद रखना कि जब आपका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, चाहे 3 ऑर्डर 3 का चाहे 2 ऑर्डर 2 का, जब आपका डिटरमिनेंट आपका जीरो आ जाए बेटा, तो आपको ये दो कंडीशंस आपको फॉलो ही करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी इक्वल टू जीरो, ये दोनों आपको चेक करने हैं। अगर डिटरमिनेंट आपका जीरो आता है तो ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है, इन दोनों का, इन दोनों को भी देखना है। अगर ये इसके बराबर जीरो नहीं आता तब तो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, अगर यहाँ पे जीरो आ जाता है तो वो 100% कंसिस्टेंट है, ठीक है, लिख लो इस चीज को। यही इसमें चेक करना था, बाकी अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं आगे का बेटा, इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल नंबर 32। ठीक है, मैट्रिक्स का इसका
डिटरमिनेंट का एक तो पहला आपका कि ए बी सी आर पॉजिटिव अनइक्वल सो दैट द डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज नेगेटिव, ठीक है ना, इसको कर लेना। 31 भी आसानी से हो जाएगा आपको, जीरो एपी में है तो आप क्या करोगे, इसको सबट्रैक्ट करोगे, जीरो आ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये मैटर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे देखो 32 इंपॉर्टेंट है, 32 के आपके पास ये एग्जांपल नंबर 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको करना है आपका। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 32 आपका एग्जाम्पल है बेटा कि डेल्टा इज इक्वल टू आपको गिवन है y प्लस z का होल स्क्वायर एक्स वाई और z x, दूसरा हमें गिवन है एक्स वाई x प्लस z का होल स्क्वायर और y z, और तीसरा आपको गिवन है बेटा एक्स जेड वाई जेड और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 2xyz ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है। अगर ये एक्स 2xyz ना होता तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब मैंने आपको पढ़ाया कैसे सॉल्व करना होता, ठीक है ना। देखो इस x, y, z के कारण हम क्या करेंगे कि पहले रो में x से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे रो में y से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे रो में z से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये करेंगे। यहां पे लिख रहे हैं बेटा कि r1 goes to x r1, r2 goes to y r2 और z r3 goes to R3 goes to Z R3, ठीक है, साथ में लिखते चलना। अगर परंतु दो ही ऑपरेशन लगा सकते हैं, नहीं कोई नहीं, तीनों लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में दो ही ऑपरेशन लगा, दो ऑपरेशन वो सबट्रैक्शन और एडिशन में लगता था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, कोई चेंज नहीं है, तो आप फिक्स है, आप कर सकते हो, ठीक है ना, वो सबट्रैक्शन और एडिशन में आपका था। तो जब आप पहला इसमें करोगे बेटा, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है डिवाइड भी करना पड़ता है, x y z डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x y plus z का होल स्क्वायर x स्क्वायर y और z x स्क्वायर, दूसरा हमारे पास है बेटा x y स्क्वायर y x plus z का होल स्क्वायर और तीसरा हमारे पास है y स्क्वायर z, तीसरा क्या हमारे पास x z स्क्वायर y z square और आपका z x plus y का whole square, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलो अब देखो यहां से आप क्या करो, कॉलम में से x y और z कॉमन कर लो, ठीक है, x y z आप कॉमन करोगे कॉलम में, यहाँ पे लिख रहा हूं taking common x y and z from c1 c2 and c3 column, c1 c2 and c3 column, जब आप भी बेटा इसको आप कॉमन कर लोगे तो ये आपका कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x y z अपान में x y z is equal to कितना होगा y plus z का whole square y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, ये बचेगा x स्क्वायर x प्लस z का होल स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा बेटा z स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर y स्क्वायर और x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस y का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहाँ से कॉलम में से कॉलम कॉमन कर लिया, एक बात याद रखना यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जा सकता है इस वाले से y plus z का होल स्क्वायर x स्क्वायर और इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो
इस चीज में अब हम इसको सॉल्व करें, इस चीज को मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे तो देखो बस इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, यहां पे ये y हटा रहा हूं, यहां से y हटा रहा हूं, ठीक है, यहां से मैं z हटा रहा हूं, z, ठीक है, उसी चीज को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, और यहां से मैं x हटा दूंगा, x स्क्वायर z स्क्वायर, यही वाली चीज मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है ना, कुछ कहने के बाद बस लिखना ना पड़े मुझे, इस वजह से आप लोग वही करो, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया। अब जो हमें प्रूफ करना है हमें वो टारगेट लेके चलना है, ठीक है ना, अब देखना कि हम करेंगे क्या बेटा। अब इस चीज को मैंने कहा ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना, अब देखो यहां से हमें लाना था x plus y plus z, तो अगर इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दें और इसी में से इसको सबट्रैक्ट कर दें तो हमारा एक ना एक हमारा जीरो बनेगा और कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा ही निकलेगा। देखो क्या निकलता है, अगर मैं C2 को रिप्लेस कर दूं बेटा C2 माइनस C1, देखो C2 माइनस C1, और दूसरा मैं यहीं पे कर रहा हूं C3 को भी रिप्लेस कर रहा हूं C3 माइनस C1, यहां पे आप दो कर सकते हो, दो से ज्यादा नहीं कर सकते, तो पहला करोगे C2 तो ये तो C1 तो पहला आइडेंटिटी रहेगा बेटा y plus z का होल स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर। देखो अगर C2 में C1 आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा, मैं यहां पे एक स्टेप पहले लिख देता हूं x स्क्वायर y plus z का होल स्क्वायर x plus C2 माइनस C1, हां x plus z का होल स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर C2 में से C1, और देखो यहां पे जीरो मिल गया, वही काम यहां पे करेंगे। तो अगर मैं इसको C3 में से C1 को सबट्रैक्ट करूंगा ये x स्क्वायर माइनस में y प्लस z का होल स्क्वायर, और फिर यहां पे करूंगा तो बेटा हमें जीरो मिल जाएगा, और यहां पे करूंगा तो हमें मिलेगा x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर, ये मिला हमें, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगोगे तो a प्लस b ये माइनस b होगा, ये भी a प्लस b माइनस b होगा, यहाँ पे प्लस वाला बच जाएगा माइनस वाला बाहर कॉमन हो जाएगा कॉलम से, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा एक स्टेप और में लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ y प्लस z का होल स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर और यहाँ पे z स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखोगे बेटा तो ये x प्लस में y प्लस में z, और ये हो जाएगा इनटू में x माइनस y माइनस में z, a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, वही काम यहाँ पे करोगे तो x प्लस z प्लस में y और x प्लस z माइनस में y, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें जीरो, वही काम यहाँ पे कर दो x माइनस में y माइनस में z और ये x प्लस में y प्लस में z, वही काम यहाँ पे कर दो x प्लस में y प्लस में z और यहाँ पे मिल जाएगा बेटा x प्लस में y माइनस z, ये मिला। अब देखो इस कॉलम से x प्लस y प्लस z कॉमन कर लो और इस कॉलम से भी x प्लस y प्लस z कॉमन कर लो, ठीक है ना, तो देखो मिलेगा क्या हमें यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, टेकिंग कॉमन x प्लस y प्लस z From C2 and C3, ठीक है, जब कॉमन करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या बचेगा x plus y plus में z का whole square, दो बार मैंने कॉमन किया तो यहाँ पे बच जाएगा हमें y plus z का whole square, y square and z square, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x minus में y minus में z और x प्लस में z माइनस में y, ये जीरो बचा हमारे पास, यहाँ पे आएंगे बेटा हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है, यहाँ पे आएंगे तो हमें बचेगा x माइनस में y माइनस में z
और यहाँ पे आएंगे तो हमें जीरो मिलेगा और ये x प्लस वाई माइनस में हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब एक बार और कोई ऑपरेशन करके देखते हैं क्या कुछ मिलता है हमें, उसके बाद फिर हम आगे एक्सपेंशन कर लेंगे। अभी एक्सपेंशन करोगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एक्सपेंशन करोगे तो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि अगर R1 में से, चलो देख लेते हैं, R1 goes to R1 minus में R1 plus R2 करते हैं, R1 plus R2, ठीक है, R1 goes नहीं, R2 plus R3, R2 plus में R3, क्या होगा देखो यहाँ पे, यहाँ पे y square और z square इसमें पूरे square ओपन करोगे तो ये पॉजिटिव में रहेगा और ये आपका नेगेटिव कर रहा तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी वही काम होगा और यहाँ पे भी वही काम होगा, ठीक है। हाँ देखो, अब इसको हम सॉल्व करें, क्या मिलेगा हमें, x plus y plus z का होल स्क्वायर, ये क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2yz r1 की जगह पे। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, इसमें से इस इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस और ये प्लस में तो इससे कटेगा और ये माइनस में तो इससे कट जाएगा, यानी बचेगा केवल ये हमारा, तो माइनस टू जेड। कोई दिक्कत, बोलो, नहीं ना। अगर मैं इसमें से वही काम करूं तो आपको बचेगा, देखो ये माइनस होगा तो ये माइनस ये प्लस कट गया, ये माइनस है, बचा रहेगा माइनस जेड और प्लस जेड, यानी माइनस में टू वाई। कोई दिक्कत, इस चीज को यहाँ पे बाकी सबको एडिटर लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड माइनस में वाई इंटू में जीरो, जेड स्क्वायर जीरो एक्स प्लस वाई और माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ पे, बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ, पक्का। अब देखो हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर यहां से एक्सपेंशन करेंगे तब भी हमारे से टफ होगा, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं कि ऊपर से 2 तो कॉमन हो रहा है, 2 तो कॉमन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां से अगर 2 कॉमन कर ले हमको 2xyz चाहिए चाहिए। तो अगर कुछ और मैं कर दूं इसमें से, c1 goes to कुछ कटेगा, ठीक है। देखो अगर मैं इसमें y से डिवाइड कर दूं, सॉरी c1 में अगर y से डिवाइड कर दो तो ये 2z और 2z पॉजिटिव नेगेटिव होकर जीरो मिल जाएगा हमें, कोई दिक्कत यहाँ पे, नहीं ना। तो अगर मैं ये करते हैं और यहाँ पे भी करेंगे तब भी हमें मिलेगा, चलो देखो, अगर मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूं c1, c1 goes to c1 plus में c, सॉरी C1, C2, C2 goes करो बेटा, छोड़ो, C2 अगर करें बेटा तो C2 goes to कितना हो जाएगा हमारे पास, C2 plus में C1 upon में Y, पहला ऑपरेशन कर देता हूँ, C2 goes to C1 upon में Y, ठीक है ना। अगर मैं इसी तरह C3 को लिख लूँ तो C3 में यहाँ पे Y है ना, इसको भी जीरो बना देते हैं, हमको मैक्सिमम जीरो बनाना होता है बस, कुछ नहीं यहाँ पे। तो C3 goes to अगर करो बेटा, C3 goes to C3 plus C3 plus, यहाँ पे मैंने y से किया तो ये कटा, यहाँ पे z से कर देता हूँ, यानी C1 अपान में z, ठीक है। C1 अपान z करूंगा तो हमें जीरो मिलना डन है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा ना, ये कितना हमारे पास x plus y plus z का होल स्क्वायर ब्रैकेट में डिटरमिनेंट में, तो पहला अगर मैं करूंगा तो हमें C1 तो हमने चेंज नहीं किया, ये 2yz और y स्क्वायर और z स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ c2 को तो देखो c2 में अगर c1 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला टर्म हमें जीरो मिल जाएगा, मिला जीरो, बोलो, और ये वाला टर्म हमें x प्लस z मिल जाएगा क्योंकि y से y कट जाएगा हमारा, ठीक है। और ये वाला टर्म हमें बचेगा बेटा, यहाँ पे c2 प्लस में करेंगे तो z स्क्वायर y बचेगा, डेड स्क्वायर वाले, कोई दिक्कत यहाँ पे, वही काम यहाँ पे करेंगे तो ये हमें जीरो मिल गया, ठीक है, इसमें ये जीरो मिल गया। और यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे इससे जेड से
तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें क्या x c3 y स्क्वायर अपान में z, y स्क्वायर अपान में z, ठीक है, y स्क्वायर अपान में z, y स्क्वायर अपान में z, ठीक है। तीसरा हम करेंगे बेटा, अगर z से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x प्लस y, क्योंकि z से z कट जाएगा तो हमें x प्लस y मिले, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, देखो दो जीरो मिल गया ना, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं एक्सपेंशन इधर कर रहा हूँ, लिख लो इस चीज को, लिख लिया, हाँ देखो अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा बेटा, ये मिलेगा हमें x प्लस वाई प्लस में z का होल स्क्वायर ब्रैकेट पे, ये इसके अकॉर्डिंग करते हैं, इसमें दो जीरो है तो हमें केवल इसके अकॉर्डिंग कर देना है, यानी प्लस 2yz ब्रैकेट में ये रो ये कॉलम जाएगा तो यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे x प्लस z इनटू में x प्लस y, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, माइनस में करेंगे बेटा तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बचेगा yz, केवल yz बचेगा, कोई दिक्कत, बोलो बाकी तो कुछ है ही नहीं उसमें। अब इसी को सॉल्व कर दो, कितना मिलेगा x प्लस वाई प्लस में z का होल स्क्वायर, ये 2yz, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर दो बेटा यहाँ पे, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ कितना मिल जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में xy प्लस में zx प्लस में yz और इधर माइनस में yz है, ये कट गया, ठीक है। और यहां से देखोगे तो आपको x कॉमन है सब में, जब यहां से x कॉमन है x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर यहां पे आपको कॉमन कर लोगे तो ये x y z हो जाएगा और ये x प्लस y प्लस z कॉमन कर लोगे बेटा यहां से तो ये x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर और इनटू में क्यूब हो जाएगा x प्लस y z, यही आपको प्रूव करना था, 2xyz into में x plus y plus z का whole cube, थोड़ा सा है complicated, लेकिन एक बार दो प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑपरेशंस आ जाएंगे तो आप एग्जाम में अच्छे से डील कर पाओगे, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट था, ठीक। तो अब आपको घर पे क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स तो करने ही करने हैं प्लस आपके बुक के भी क्वेश्चन करने हैं, बुक आप करोगे मिसलेनियस के तो आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। आज हम इतना ही बनाते हैं।